गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज हमारा टॉपिक है सेल्स कोटास एंड सेल्स टेरिटरीज। तो इस चैप्टर के दो पार्ट्स होंगे, सेल्स कोटा और सेल्स टेरिटरी। आज हम बात करेंगे सेल्स कोटा के बारे में। नाम बहुत कॉमन है कोटा, आपने बहुत बार सुना होगा इस वर्ड को। कोटा का मतलब यहाँ पे एक टारगेट लगा के चलिए, एक लिमिट लगा कर चलिए कि आपको ये लिमिट तो तय करनी ही है। तो अगर हम सेल्स कोटा की बात करें तो इट मींस कि हमें एक पर्टिकुलर टारगेट दे दिया जाएगा, तो ये टारगेट है आपका और इसको आपको अचीव करना है। अब वो टारगेट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो सेल्स के लिए हो सकता है कि आपको इस पर्टिकुलर एरिया में इतना जो है सेल करना ही है, राइट? इससे ज़्यादा करें, इससे कम नहीं, मतलब ये आपको, ये रेंज आपको तय करनी है, ये लिमिट आपको क्रॉस करनी है, राइट? और इसके अलावा एरिया वाइज हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन या जो भी सेल्समैन है तो हर सेल्समैन का अपना अपना कोटा डिसाइड कर सकते हैं, एरिया के हिसाब से कोटा डिसाइड हो सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे बेस्ड होता है ये कोटा। क्यों, एक तरीके से ये मानकर चलो कि ये एक स्टैंडर्ड है जो हमें बताता है कि हम लोगों ने अपना परफॉर्म किस तरीके से किया है। जब एक सेल्समैन को एक कोटा दे दिया जाता है, मान लीजिए एक सेल्समैन को कह दिया गया कि आपको इस एरिया में 5,000 यूनिट्स जो है सेल करनी है, आपका ये कोटा है, इट मींस कि वो सारे अपनी कोशिशें करेगा और उस अपनी सेल को 5,000 यूनिट से ऊपर लेके जाने की, और अगर वो नीचे रखता है तो इट मींस कि उसने जो अपना जो उसका स्टैंडर्ड फिक्स था वो उसने अचीव नहीं किया है। तो एक तरीके से ये एक ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि हम सेल्स के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे हमें सेल बढ़ाना हमारा ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट्स बढ़ाना हमारा ऑब्जेक्टिव है, कस्टमर से बात करना, कन्विंस करना हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो ये सेल्स के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, राइट? तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम एरिया वाइज या सेल्समैन वाइज एक रेंज फिक्स कर देते हैं, जिसे हम सेल्स कोटा कह सकते हैं। तो अगर हम एक छोटी सी डेफिनेशन देखें फिलिप कॉटलर की, तो थोड़ी सी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। सेल कोटा क्या है? सेल कोटा का मतलब सेल गोल यानी सेल टारगेट है, राइट? सेट किसके लिए सेट किया गया है? एक प्रोडक्ट के लिए सेट किया गया कि मान लीजिए अब हम नया कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हैं, देन हमें डिसाइड करना है कि हमें किस एरिया में उसको सबसे पहले लॉन्च करना है और कम से कम कितनी यूनिट्स हमने उसकी सेल करनी है। तो एक प्रोडक्ट के लिए हो सकता है, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से हो सकता है कि यस हमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी 10 जगह बेचा जा रहा है, अब हमें और नई मार्केट में एंटर करना है, तो वो उस एरिया के हिसाब से या फिर उन 10 जगहों पे भी अलग अलग सेल्समैन जो काम कर रहे होंगे उनका डिसाइड कर दिया जाता है कि आपको इस एरिया में इतनी इतनी यूनिट्स कम से कम सेल करनी है। तो एरिया वाइज हो गया, सेल्स वाइज हो गया, और जो है बजट के बेस पर, ये जो है कोटा, ये हम कहाँ थे डेफिनेशन में, हाँ, रिप्रेजेंटेटिव के बेस पर यानी सेल्स मैन के बेस पे, सेल्स हमारी वॉल्यूम के बेस पे, ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पे, प्रोडक्ट के बेस पे, तो बहुत सारे बेसिस हैं जिस पर हम आधारित होकर अपना कोटा जो है डिसाइड करते हैं। और एक कोटा डिसाइड करने के पीछे बहुत सारे हमारे टारगेट्स हैं जिन्हें हमें अचीव करना है। तो जाहिर सी बात है कि हमें अपने बड़े ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव जो है हमें बनाने होंगे, तभी हम अपने मेन ऑब्जेक्टिव पर पहुँच पाएंगे, ठीक है? अब हम चलते हैं इसके मेन फीचर्स पर या कैरेक्टरिस्टिक्स पर, तो यहाँ से आपको और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे सेल्स कोटा का मतलब एक तो पहले ये बताया कि एक छोटा सा टारगेट है जो पर्सन के हिसाब से दिया गया है, जो प्रोडक्ट के हिसाब से दिया गया है या एरिया के हिसाब से दिया गया है, ये एक फिक्स टाइम के लिए होता है और टाइम के अकॉर्डिंगली ये चेंज भी होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए 6 महीने के लिए आपको एक फिक्स टारगेट दे दिया गया कि 6 महीने के अंदर आपको इस एरिया में इतनी सेल करनी है, उसके बाद आया नेक्स्ट मंथ के लिए या नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपका टारगेट या आपका कोटा फिर चेंज हो सकता है, ठीक है? अब कोटा जो है हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे वॉल्यूम के बेस पर कोटा, यानी कि आपको 5,000 यूनिट सेल करनी है, दैट इज़ वॉल्यूम कोटा, या फिर अगर आपको 10 लाख रुपए की सेल करनी है, दैट इज़ अमाउंट कोटा। फिर उसके बाद है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर इस एरिया में या इतने इस प्रोडक्ट के ऊपर इससे ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं लगाने हैं, तो वो हो गया हमारा सेल्स एक्सपेंसेस कोटा। तो कोटा कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। अब ये
जो कोटा है हमारे लिए स्टैंडर्ड का काम करता है। इससे हम ये डिसाइड करते हैं कि जो पर्टिकुलर सेल्समैन को हमने टारगेट दिया था वो उसने अचीव किया है या नहीं किया है। तो वो आपके स्टैंडर्ड के का काम भी करते हैं, स्टैंडर्ड की तरह परफॉर्म भी करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, हमारे सेल्समैन हैं, हमारे एरियाज हैं, तो उसके हिसाब से कोटा अलग अलग होते हैं। जैसे एरिया का मान लीजिए देखते हैं कि हो सकता है अगर मान लीजिए आपको दिल्ली के कुछ एरियाज दे दिए जाएं तो वहाँ कोटा डिफरेंट हो सकता है, अगर आपको हरियाणा के कुछ एरियाज दे दिए जाएंगे वहाँ कोटा अलग हो सकता है। क्योंकि कोटा जो होता है वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, सेल्समैन की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, मार्केट के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, आपके बजट पर भी डिपेंड करता है। ये चीज़ें हम धीरे धीरे करके बाद में भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद आ रहा है अगली बात, मैं पॉइंट नंबर 5 पे हूँ। ये जो कोटा है वो हमारे सेल्समैन के लिए भी हो सकता है, हमारे डीलर के लिए भी हो सकता है। और ये डेफिनेटली अब जब हम उनके लिए कोटा डिसाइड करते हैं इट मींस कि हम उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई सेल्समैन या डीलर कोटा पूरा कर लेता है तो हम उसे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स देते हैं जो उनके लिए एक प्रेरणा का काम करते हैं। तो एक तरीके से एक मोटिवेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोटा डिसाइड करने से पहले हमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, जिसमें हमारी बाज़ार की कंडीशन, मार्केट का एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, कस्टमर्स की इनकम क्या है, फैशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनकी इनकम कितनी है, उनका उनका जो है उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, वो सारी चीज़ें भी। उसके बाद आ रहा है कि वी विल हैव टू डिसाइड अबाउट द फोरकास्ट फॉर सेल्स, मतलब आपको सेल फोरकास्ट भी करते रहना होगा, क्योंकि फोरकास्ट के बेस पे ही आप कोटा डिसाइड करते हैं। मतलब आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम इस एरिया में इतनी सेल कर सकते हैं। जब आपको ये अनुमान होगा तभी तो आप सेल्समैन के लिए टारगेट फिक्स करेंगे। आपको अगर आइडिया ही नहीं है तो आप कोटा नहीं डिसाइड कर पाओगे। उसके अलावा कोटा डिसाइड करने के लिए बहुत सारी स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को अपनाया जाता है। फिर उसके बाद है कोटा डिसाइड करते समय और कोटा डिसाइड करने के बाद बहुत उसके साथ बहुत सारी प्लान्स को ऐड किया जाता है। मान लीजिए आप अगर अपना कोटा टाइम पर पूरा कर लेते हैं, आप अपना टारगेट टाइम पर अचीव कर लेते हैं, तो आपको इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मोटिवेशन मिलेगी, कॉम्पनसेशन प्लान्स होंगे। तो एक तरीके से ये एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड पर्सन के बीच में डिफ्रेंशिएट करने का भी एक मेथड है। अब मान लीजिए एक पर्सन जो है वो एक एरिया में जो है दो लोगों को हमने टारगेट दिया है, ठीक है, एक पर्सन टारगेट को इजीली अचीव कर पाता है लेकिन दूसरा नहीं कर पाता है, तो वी कैन सी द डिफरेंस, राइट। दोनों में हमें पता लग जाएगा कि कौन ज़्यादा स्किल्ड है और कौन ज़्यादा अनस्किल्ड, ठीक है। उसके बाद आता है कोटा की जो सफलता है वो बहुत सारे फैक्टर्स मैंने बता ही दिया आपको, तो ऑब्वियसली उसमें आप कौन सा डेटा इस्तेमाल करते हो, किस तरह से आपने रिसर्च किया है और आपका आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आपका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है, आप किस तरह के एफर्ट्स इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब बातें आपके कोटा की अचीवमेंट के लिए ज़रूरी मानी जाती हैं। तो ये हो गई हमारी सारी विशेषताएँ जो सेल्स कोटा से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑब्जेक्टिव्स और इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्स कोटा, यानी कि अब आपको ये देखना है कि हम ये काम कर ही क्यों रहे हैं, व्हाई वी आर डिसाइडिंग द कोटा फॉर डिफरेंट सेल्समैन और डिफरेंट एरियाज एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो डेफिनेटली मैंने आपको क्लियर किया कि हमारे जो सेल्स फोर्स है उनका इवैल्यूएशन करना, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना किस बेस पर होगा, जो टारगेट हमने उनको दिया उस बेस पर होगा, ठीक है ना। तो डेफिनेटली हम किसी भी पर्सन की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा उसको दिए गए काम की सफलता से लगाते हैं, राइट। तो अब जब आप सेल्समैन को एक डिसाइड करके देते हैं कि आपको इस एरिया में इतनी सेल करनी है या आपको इस एरिया में वेस्टेज को रोकना है, कम से कम खर्च करना है, तो उसकी सफलता उसके उस काम पे डिपेंड करती है कि उसने उस काम को किस तरीके से मैनेज किया है, ठीक है। तो ये एक तरीके से उनका इवैल्यूएशन, उनका परफॉर्मेंस चेक करने का तरीका है। दूसरी बात है कंट्रोल करना सेलिंग एक्सपेंसेस, वही वाली बात कि हमने अगर मान लीजिए ये डिसाइड कर लिया कि हम अब जो पहले वेस्टेज होती आई है हम उसको रोकेंगे और हम ये डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर एरिया पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर हम इससे ज़्यादा सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं करेंगे, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए। तो सेलिंग एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए भी एक तरीके से कोटा बनाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा सेल्समैन जो है वो कोशिश करता है
कि वो वेस्टेज कम से कम करे। मोटिवेट सेल्स फोर्स डेफिनेटली, अगर आपने अपना कोटा अचीव कर लिया तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको एक अप्रिसिएशन मिलेगा, आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगा, एक पहचान मिलेगी, ठीक है। टू डेवलप इफेक्टिव कंपनसेशन प्लान्स, इसमें आपकी कुशलता, आपने कोटा जो है पूरा कर लिया, इट मीन्स कि आप स्किल्ड हैं। अब आप स्किल्ड हैं तो आपको आपके सैलरी में इंक्रीज इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपको आपकी उसके लिए परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए कमीशन मिल सकता है, आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, आपको और अलग अलग तरह के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली हैं, तो वही बात कि मोटिवेट करने के लिए तैयारी हो रही है, तो कोटा आप पूरा कीजिए एंड देन यू विल गेट सो मेनी कॉम्पनसेशन प्लान्स, राइट। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइड द मार्केट एरिया वेयर एक्स्ट्रा प्रमोशनल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर हमें ये भी पता लग जाता है कोटा हम क्यों डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कई बार क्योंकि मार्केट्स जो हैं सारी सेम नहीं है, कस्टमर सारे एक जैसे नहीं हैं। तो हम मान लीजिए एक मार्केट में बहुत अच्छे से हम छाए हुए हैं, हमारा मार्केट में शेयर बहुत बढ़िया है, हमारी बहुत अच्छी सेल हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरी मार्केट में हमारा उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, तो वी विल हैव टू गेट या डू मोर efforts in that particular area. So for this purpose हम कोटा डिसाइड करेंगे, हम सेल्समैन को अपॉइंट करेंगे कि आपको इस एरिया में ज़्यादा जोर देना है, तो हम अपने एफर्ट्स जो हैं वो उस एरिया में लगा सकते हैं कोटा डिसाइड करके। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे डेफिनेटली जब मोर सेल तो मोर प्रॉफिट्स है, हमें ये पता लग जाता है कि हमारे पास स्किल्ड पर्सन कौन है, हमारे पास अनस्किल्ड कितने हैं, हमारे हम अपने परफॉर्मेंस को किस तरीके से चेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं वेस्टेज को, अपने उनकी जो परफॉर्मेंस को देखकर उनको हम रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, हमें पता लग सकता है कि कौन कहाँ गलत है और हम उसको इम्प्रूव करने के लिए एफ़र्ट्स कर सकते हैं। और हम अलग अलग एरिया के बारे में भी जानकारी हासिल हो जाती है, जब हम ये देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे स्किल्ड पर्सन भी अगर एक कोटा पूरा नहीं कर पाए तो डेफिनेटली वहाँ पर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो इतने टफ हैं कि शायद वो एरिया हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा। इससे हमें ये आइडिया भी हो जाता है कि हमें किस एरिया में ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। तो ये हो गए थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स कोटा की, कितने तरीके का सेल्स कोटा होता है। पहले तो हम देखेंगे किस किस के लिए होता है, बाद में देखेंगे कि हम कितने तरीके का होगा सेल्समैन के लिए। सबसे पहले तो सेल्समैन का कोटा है, हमने एरिया बता दिया कि आपने इस एरिया में, या एरिया भी चलो नहीं बताया, हमने ये बता दिया कि आपने जो है 6 महीने में या 1 महीने में या 3 महीने में या 1 साल में आपको इतना सेल करके दिखाना है, दैट इज़ योर कोटा। तो सेल्समैन का कोटा होता है सेल्समैन कोटा। नेक्स्ट इज़ डीलर्स कोटा, जो हमारे रिटेलर्स हैं, जो हमारे होल सेलर्स हैं, तो उनका भी एक कोटा डिसाइड कर दिया जाता है कि आपको होल सेलर हो तो आपको अपना इतने आपको इतनी यूनिट्स जो हैं आपके एरिया में जो है सेल करनी है। तो ऑब्वियसली क्योंकि होल सेलर और रिटेलर जो है वो हमसे ज़्यादा, मतलब मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा मार्केट से अटैच्ड होते हैं, तो वो और अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं, इसलिए उन्हें ये पता होता है कि कहाँ पर कितना कॉम्पिटिशन है और टारगेट को कैसे अचीव करना है। ब्रांच कोटा में होता है कि अगर एक बिज़नेस में बहुत सारी ब्रांचेज हैं तो हर ब्रांच का अलग अलग टारगेट फिक्स कर लिया जाता है, और इससे क्या होता है कि इन बिटवीन जो ब्रांचेस का कंपटीशन है वो भी क्लियर हो जाता है, उनका पता लग जाता है कि कौन सी ब्रांच हमारी ज़्यादा प्रॉफिट अवेल कर रही है, कौन सी ब्रांच में और ज़्यादा लोगों की जो स्किल्ड है उनकी ज़रूरत है। डिविजनल कोटा, यहाँ पर एरिया वाइज कोटा भी डिसाइड कर सकते हैं। हमने मान लीजिए रोहतक का जोन लिया, अब उसके अंदर हमने 4 पार्ट्स किए तो हम 4 पार्ट्स का अलग अलग कोटा डिसाइड कर सकते हैं, तो ये जोन वाइज हो गया। ये तो हो गए पर्सन के या एरिया के हिसाब से। अब हमने जो हमारा सेल्स कोटा है, ठीक है, उसमें हमने कितने टाइप देखने हैं वो आप देख लेते हैं, यानी कि ये वाले जो टाइप्स आप देखने वाले हो ये सेल कोटा के टाइप्स हैं। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें भी सेल है, लेकिन सेल कहाँ, डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिवीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अभी हम कहेंगे कि सेल कोटा जो आप डिसाइड करने वाले हो उसके भी क्या कोई आधार हैं, डेफिनेटली उसके भी आधार है। तो सबसे पहले तो सेल को वॉल्यूम के बेस पर आप कोटा डिसाइड कर ले। मान लीजिए हमने ये कह दिया जी आपने अपने कोटा का 5,000 यूनिट्स क्लियर करना है, आपका कोटा 3,000 यूनिट्स हैं, दूसरे पर्सन का कोटा 2,000 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो यूनिट्स के हिसाब से,
वॉल्यूम के हिसाब से भी कोटा हम देख सकते हैं, या फिर पॉइंट्स के हिसाब से देख सकते हैं, या फिर अमाउंट के हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, एक तो हो गया रूपी के हिसाब से, मान लीजिए एक पर्सन के जो है या एक मैन्युफैक्चरर है चार तरह के प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। अब चार तरह के प्रोडक्ट का टोटल सेल हम ये मान के चलें कि आपको एक पर्सन को हमने ड्यूटी दे दी या एक कोटा दे दिया कि आपने चारों प्रोडक्ट को टोटल मिलाकर 10 लाख रुपये की तक की सेल हमें करके दिखानी है, ठीक है। तो वो तो हो गया रूपी के बेस पर, यानी कि टोटल अमाउंट के बेस पर। लेकिन अगर कोटा इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स है कि आपको चारों यूनिट्स की अलग अलग 1,000 यूनिट्स जो चारों प्रोडक्ट की 1,000 यूनिट सेल करके दिखानी है, तो टोटल वॉल्यूम हो गया 4,000 यूनिट का। यहाँ तो अमाउंट के बेस पे था, यहाँ वॉल्यूम के बेस पर है, ठीक है। और यहाँ पर हो गया पॉइंट सेल वॉल्यूम कोटा। अब यहाँ पे पॉइंट सेल वॉल्यूम का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बल्क में बिकते हैं और जिनका वैल्यू कम होता है, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो एक या दो पीस ही बिकते हैं लेकिन वो बहुत रेयरली, मतलब बहुत कम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और उसको बेचना बड़ा मुश्किल काम है और वो बहुत महंगा प्रोडक्ट है। तो महंगा प्रोडक्ट है तो उसका कोटा कम डिसाइड कर लेंगे, और जो सस्ता प्रोडक्ट है या जो जल्दी जल्दी बिकता है या इजीली है, उसको इजी है उसको बेचना, उसका कोटा जो है ज़्यादा डिसाइड कर सकते हैं। तो पॉइंट्स के आधार पर जो है, जैसे महंगी और बड़ी आइटम को पॉइंट्स मिलेंगे ज़्यादा जब आप बेचेंगे, और अगर आपकी आइटम छोटी है, कम कॉस्टली है, इजीली जो है वो जो बाय करते हैं लोग उसको, तो उसका कोटा ज़्यादा डिसाइड कर सकते हैं, राइट, क्योंकि वो इजीली बिक जाती है। इसलिए तो सेल कोटा का क्लियर हो गया हमारा। इसके अलावा भी सेल कोटा में अभी हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, जो मैंने पहले बताया कि सेल करते समय जो आप एक्सपेंसेस करते हैं, तो कई लोग क्या होता है कि बहुत वेस्टेज करते हैं और वो इस बात का ध्यान नहीं रखते, वो सेल करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और वहाँ क्या होता है कि उनका जो बजट है वो गड़बड़ हो जाता है। उसमें क्या होता है कि एक तरफ वो सेल तो करे जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ वो खर्चे भी बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि उतने बढ़ने नहीं चाहिए। तो क्या होता है अल्टीमेटली कि उनके प्रॉफिट्स उतने नहीं बढ़ पाते जितने वॉल्यूम के हिसाब से बढ़ने चाहिए। तो इसीलिए हमारा कई बार क्या होता है कि बाकी सब कुछ बढ़िया होता है लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस लोग ज़्यादा कर रहे हैं, हमारा सेल्समैन जो है वो खर्चा ज़्यादा कर रहा है, इस वजह से प्रॉफिट्स उतने नहीं आ पा रहे हैं। तो इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए भी सेलिंग एक्सपेंसेस कोटा डिसाइड कर सकते हैं। फिर है, ये तो हो गए सेल्स वॉल्यूम के आधार पर, फिर से हम बता रही हूँ मैं आपको, जो आपका वॉल्यूम है, पहले था हमारा सेल रिप्रेजेंटेटिव का कोटा, फिर डीलर का, फिर ब्रांच का, फिर डिवीज़न का, यहाँ तक हो गया, ठीक है। उसके बाद सेल्स कोटे में वॉल्यूम के आधार, सेल के आधार पर भी, और मतलब वॉल्यूम के आधार पर भी और अमाउंट के आधार पर भी, ये आपके दोनों क्लियर हो गए, और एक पॉइंट सिस्टम के आधार पर भी, यहाँ तक ओके हो गया। तो ये तो हो गया सेल्स कोटा। अब दूसरा जो मैंने कहा वो है सेलिंग एक्सपेंसेस कोटा, क्लियर हो गया। तीसरा जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट कोटा, इसमें हमने ये बताया कि हमारे ग्रॉस प्रॉफिट पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से इतने होने चाहिए या पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ग्रॉस प्रॉफिट इतने होने चाहिए, राइट। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे जो है परचेजेस, अगर सेल हमारी, सबसे पहले तो सेल हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, राइट, सेल हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस कम से कम होने चाहिए, हमारे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, नॉट सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्स एक्टिविटी कोटा। अब सेल्स एक्टिविटी का मतलब होता है, जैसे मान लो नए नए कस्टमर के साथ हमने कॉल करी, उनको नए कस्टमर बनाए, उनके साथ अटैच हुए, कांटेक्ट किया, हमने नए नए डीलर्स से बात करी, नए नए डिस्ट्रीब्यूटर से अपना कनेक्शन बनाया। कई बार क्या होता है, आप देखते हैं कि आपके पास भी कई बार कई तरह के फ़ोन कॉल्स आते हैं, कभी बैंक से, कभी इंश्योरेंस कंपनी से, कभी किसी और जगह से, और वो आपको अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज लेने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। ये भी कोटा में एक बात है कि आप सेल्स एक्टिविटी कितनी करते हैं। अब मान लीजिए एक पर्सन की ड्यूटी लगा दी कि आपको जो है एक महीने में इतने लोगों को कांटेक्ट करना है, ठीक है, कांटेक्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कांटेक्ट करने के बाद भी क्या वो सारे के सारे लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हैं या नहीं है, ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
कांटेक्ट करना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। लोग आपको एक दिन में, अगर आपके पास 10 फ़ोन कॉल्स आती हैं बैंक से ही, मान लीजिए अलग अलग बैंकों से आती है, आप कितने लोगों की कॉल्स को कंसिडर करते हैं, आप कितने लोगों की कॉल्स को सीरियसली लेते हैं, वहाँ पर ये चीज़ ये मैटर करती है। तो अगर आपने 10 में से 2 कॉल्स भी अगर रिसीव कर ली, तो इसका मतलब होता है वो 2 लोग जिन्होंने आपको कॉल किया था वो सक्सेसफुल हो गए और बाकी के 8 लोग अनसक्सेसफुल हुए। कारण, कॉल तो किया, कॉन्टैक्ट भी किया, बट आपको कन्विंस नहीं कर पाए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो चीज़ है दैट इज सेल्स एक्टिविटी कोटा, मतलब एक्टिविटी तो हुई लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला, ये ज़रूरी नहीं है कि वो रिजल्ट पॉजिटिव ही हो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कॉम्बिनेशन कोटा। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ऊपर देखा ग्रॉस प्रॉफिट भी है, सेलिंग एक्सपेंसेस भी है, सेल्स एक्टिविटी भी है। तो अगर हम एक से ज़्यादा चीज़ों को बेस मानते हैं कोटा डिसाइड करने में, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन कोटा। मतलब क्या है कि अगर हम सेल्समैन को ये कहें कि आपको सेलिंग एक्सपेंसेस इससे ज़्यादा नहीं करने और ग्रॉस प्रॉफिट इससे ज़्यादा करना है, तो इसका मतलब हमने उसको 2 तरह के कोटा बता दिए कि आपको ये आपके टारगेट हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कोटा हमने उसको दिया दैट इज़ कॉम्बिनेशन कोटा, राइट। तो ये हो गए हमारे कोटा के टाइप्स। अब हम बात करेंगे, एक बार फिर से वापस चलेंगे अपने दोबारा से टॉपिक पर, और जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि सेल कोटा किसे कहते हैं, और उसमें हमने बात की फीचर्स की एंड ऑब्जेक्टिव्स की, इम्पॉर्टेंस की, देन हमने देखा कि टाइप्स क्या क्या थे, और टाइप्स में आपने चेक कर लिया कि हमारे पास बहुत सारी तरह के कोटा है, और हम डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का कोटा अपने यूनिट अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट मानते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और बातें डिस्कस करेंगे कोटा को लेकर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।